ग्रुप 17, जब हम ग्रुप 17 की बात करते हैं तो ग्रुप 17 के जो मेंबर्स होते हैं बेटा, वे मेंबर्स होते हैं हमारे पास फ्लोरीन, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, और इसमें हमारे पास लास्ट होता है बेटा यू, यू जब हम बात करते हैं, और टी। ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं यू यू एस, इसके अंदर हमारे पास लास्ट होता है। कैसे आता है बेटा यू यू एस जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास होता है 117 अनसेप्टियम। ठीक है बेटा, तो इसमें ये फर्स्ट वाला होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है बेटा, इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो 8 ऐड करने पे 17 आ गया। फिर हम क्या करते हैं 18 ऐड करते हैं इसके अंदर, और जब इसके अंदर हम 18 ऐड करेंगे बेटा, तो 18 ऐड करने के बाद इसमें आएगा 35, फिर 18 ऐड करते हैं तो 53, फिर 32 ऐड करेंगे बेटा, 32 जैसे ही ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है इसके अंदर 85। तो हमारे पास ये मेंबर्स जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन एंड अनसेप्टियम, जब हम बात करते हैं 117। देखिए बेटा, ये जो हमारे पास ग्रुप होता है, ये ग्रुप 17 होता है, और इस ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे हमारे पास नॉन मेटल होते हैं और ये हमारे पास रेडियो एक्टिव मेटलॉइड होता है। ठीक है बेटा, और ये पूरे ग्रुप 17 एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती है। जैसे हम बात करते हैं, ये फ्लोरीन जो होती है वो नेचर में गैसेस स्टेट में, क्लोरीन भी नेचर में गैसेस स्टेट में है, ब्रोमीन ये जो है बेटा ये हमारे पास किस स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में, और इसके बाद जितने भी होते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करता है, और जैसे इंक्रीज करेगा तो यहां से यहां तक ये होता है बेटा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास नमस्ते बेटा, तो यहां से बेटा फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक ये सारे के सारे हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। एस्ट्राटीन जो रेडियो एक्टिव है ये हमारे पास मेटलॉइड होता है बेटा, और एटॉमिक साइज जैसे इंक्रीज करता है तो टेंडेंसी टू लूज की इंक्रीज कर जाती है बेटा, तो ये हमारे पास जो है ये मेटल होता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स भी है बेटा, और साथ साथ में ये तो कईयों में मिल जाता है, बट अकेला ऐसा बेटा जिसमें इनके एलिमेंट्स तीनों स्टेट्स में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ओके बेटा, अब मुझे बताइए ग्रुप 17 फैमिली मेंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, व्हाट दे आर कॉल्ड, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन। बिल्कुल सही, दे आर कॉल्ड हैलोजन, और इन्हीं के लिए बेटा इसे इसीलिए पूरी फैमिली को हैलोजन फैमिली कहा जाता है। अब इसके बाद व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन, इनको हैलोजन क्यों कहा जाता है बेटा? बिल्कुल सही, देखिए बेटा जब हम हैलोजन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं हैलोजन की, तो हैलोजन का मतलब होता है ग्रीक, इट इज अ हेलो, तो हैलोजन जो होता है बेटा टू वर्ड से मिलके बना है, हेलो प्लस जन, ये जो हेलो है ये ग्रीक वर्ड होता है हमारे पास, और ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, इस हेलो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड सॉल्ट, क्या मतलब होता है सॉल्ट, और आप भी जानते हैं जन का मतलब क्या होगा बेटा, जनरेट करना या फिर फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो इस पूरे वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन बनता है। तो हम क्या लिखते हैं बेटा, जब ग्रुप 17 एलिमेंट्स व्हेन, या सिंपल लिखते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स बेटा जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ग्रुप फर्स्ट यानी एल्कली मेटल्स और ग्रुप सेकंड को क्या कहते हैं बेटा, एल्कलाइन। बिल्कुल सही, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं फॉर्म्स, ये फॉर्म करते हैं बेटा सॉल्ट्स की, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, लाइक जैसे NaCl,
आप भी जानते हो NaCl सॉल्ट है हमारे पास, CaCl2, ठीक है बेटा, KCl, इस टाइप से ये क्या करते हैं MgCl2 या Mi, इस टाइप से बेटा Mi2, इस टाइप से क्या करते हैं ये सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, इसी वजह से बेटा हम इन्हें क्या कहते हैं हैलोजन फैमिली। ओके बेटा, अब देखिए जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना शुरू करते हैं तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा वो हमारे पास होती है 1s2, 2s2, 2p5, और जब हम हैलोजन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं वो नोबल गैसेस के रिस्पेक्ट में तो हीलियम 2s2, 2p5। ऐसे बेटा जब हम क्लोरीन की लिखते हैं तो हमारे पास आती है नियोन 3s2, 3p5। इसी टाइप से नेक्स्ट बेटा आर्गन 4s2, 3d10, 4p5। ऐसे बेटा आयोडीन की जब लिखते हैं बेटा तो देखो हीना नीना और करीना एक्सरे, तो इसके अंदर आता है बेटा 5s2 और इसके अंदर क्या आ जाएगा 6s2। देखो 3d के बाद क्या आता है यहाँ पे, 3d के बाद 4d आ जाएगा, इसके अंदर बेटा 4f भी इंक्लूड होता है, और ये 10 आ जाते हैं इसके अंदर 14, और ये आ जाता है हमारे पास 5p5, ये आ जाता है 5d10, और उसके बाद आता है 6p5। हाँ जी बेटा, तो इसको देखते हुए इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब आप स्टडी करते हो तो इनके लिए जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है तो ग्रुप 17 की जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा वो क्या होगी, बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को बिल्कुल सही, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को सिर्फ हम देखते हैं बेटा ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर NS2, NP5, ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई बेटा, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं बेटा हम इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज को स्टडी। तो बेटा देखिए आप जब जर्नल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो तो जर्नल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हमारे पास आता है एटॉमिक साइज, बताइए एटॉमिक साइज की जब हम बात करते हैं बेटा देखिए जब डाउन द ग्रुप जाते हैं हम डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज बिल्कुल सही। हम बात करते हैं बेटा डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, वेरी गुड बेटा, एटॉमिक साइज क्या करता है इंक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है बेटा बता सकते हो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, वेरी गुड बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ओके बेटा जब हम बात करते हैं जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी ग्रुप 16 से शुरू करते हैं, ग्रुप 16 से हम 17 की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है बेटा ग्रुप 16 से जब 17 यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जल्दी बताओ, हाँ बेटा बताया नहीं, बिल्कुल सही, जनरली एटॉमिक साइज ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज along the period, ठीक है बेटा along the period। देखिए बेटा जब हम उसके बाद बात करते हैं next हमारे पास क्या आता है ध्यान से देखिए, जब हम group 6 ये तो group 16 से 17 की बात होगी और जैसे ही group 17 से group 18 के पास जाते हैं तो atomic size क्या करता है, तो यहाँ पे बेटा group 17 से 18 की तरफ जाता है तो atomic size increase कर जाता है यानी ग्रुप 18 का एटॉमिक साइज बड़ा होता है ग्रुप 17 से, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आती है, बिल्कुल सही, ग्रुप 18 के अंदर क्या होता है बेटा ग्रुप 18 एलिमेंट्स के अंदर इंटर
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है बेटा, और जिसकी वजह से स्मॉल साइज तो होता ही है और रिपल्शन होने की वजह से एटॉमिक साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है बेटा, अब हम बातें हैं सेकंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो मुझे बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन टू ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज। बिल्कुल सही, डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्यों डिक्रीज करते हैं बेटा? इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीज लार्ज में। बिल्कुल सही, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। और अट्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है बेटा। ठीक है बेटा, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, इसी वजह से बेटा। अब जब हम बात करते हैं, जब लेफ्टवर्ड जाते हैं तो ग्रुप 16 से बेटा जब हम 17 की तरफ मूव करते हैं और जब हम 17 से 18 की तरफ जाते हैं, तो देखिए बेटा जब ग्रुप 16 से 17 की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ई लिख देता हूं, ये इंक्रीज कर जाती है। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन रेडियाई एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। बट जैसे ग्रुप 16 से 17 की तरफ जाते हैं, किस किस तरफ जाते हैं बेटा, तो हमें ये पता लगा 17 का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है बेटा, अब जब 17 से 18 की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है बेटा वो अगेन इंक्रीज कर जाती है, जबकि इसका तो एटॉमिक साइज बड़ा है, इसकी कम होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुली फिल्ड होता है, पी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल। यानी हम बात कर सकते हैं बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 18 की क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीज याद रखना, ठीक है बेटा, ग्रुप 18 की क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें कोई डाउट बेटा? हाँ जी सर। हाँ बेटा बोलो। यस यस बेटा बोलो। नो डाउट सर। ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए बेटा जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं बेटा स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज हायर या फिर मोर नेगेटिव विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि उस छोटा जितना छोटा साइज होता है बेटा उसकी उतनी ज्यादा क्या होती है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्योंकि क्योंकि उसके अंदर बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मोर होता है, इसीलिए उसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी को, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, यानी मोर कैसे होती है, लेस पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा, तो हम ये लिखते हैं डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव हो जाती है, ऊपर मोर नेगेटिव होते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लेस नेगेटिव होते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की बजाय उनकी लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है बेटा इसी वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, सीबीएसई बोर्ड का भी क्वेश्चन है और 11th का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ये था 11th के अंदर, जब हमने पढ़ा था ये 11th के अंदर बेटा, तो क्वेश्चन ये था आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और मैंने पहले से ना नोट्स उठा के रख रखे हैं जिससे आप लोगों को समझ ना आए, तो 11th के नोट्स रख रखे हैं मैंने, विच हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी। हाँ जी बताइए बेटा किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। हाँ जी बेटा क्लोरीन। वेरी गुड क्लोरीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया बेटा क्लोरीन। क्योंकि बेटा जब हम क्लोरीन की बात करते हैं क्लोरीन की मोर नेगेटिव होते हैं क्योंकि इसका एटम देखो। अब इसी को मैं इलेवंथ वाले नोट्स उठा लेता हूँ क्योंकि मैंने इलेवंथ वाले बच्चों को भी बताया था और इलेवंथ में आप लोगों को भी बताया था। ये देखिए ये मेरे पास इलेवंथ के नोट्स है, उनको हम जनरली ट्रेंड्स बताते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेवंथ पीरियड क्या होता है। ये हमने उनको मैंने उनको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पे उनको मैंने बताया था। फिर उनके पास आता था ये कि आउट ग्रीन एंड क्लोरीन विच हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड व्हाई। ठीक है बेटा, जनरली एटॉमिक साइज देखिए फ्लोरीन का सबसे छोटा होता है, क्लोरीन का नीचे की तरफ बढ़ता रहता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसमें होगा, फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन के अंदर मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अब देखिए बेटा जब हम फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और फ्लोरीन के अंदर यानी फ्लोरीन की जब हम बात कर रहे हैं बेटा एफ की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर दो ही शेल होते हैं और इसका जो रेडियस होता है यानी सेकेंड शेल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है इसका, छोटा होता है। तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो इस इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उनके अंदर क्या होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। इसी वजह से इसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होती है फ्लोरीन के केस में, वेयर एज इन क्लोरीन इसके अंदर बेटा तीन शेल्स होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड शेल होगी और थर्ड शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एज कंपेयर टू फ्लोरीन इसमें रिपल्शन कम होती है और कम एनर्जी लगानी पड़ती है। इसी वजह से बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो जाती है। तो यही हमने लिखा था बेटा, इन केस ऑफ फ्लोरीन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेकंड क्वांटम नंबर यानी सेकंड शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं कॉजेज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। वेयर एज क्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू थर्ड शेल इज वेरी लेस। तो फ्लोरीन के केस में बेटा रिपल्शन को कम करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है, इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, लेस नेगेटिव हो जाती है। और इसी के बाद मैंने उन लोगों के एक क्वेश्चन और आप लोगों को भी एक क्वेश्चन बताया था कि जो हैलोजन्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा समझ में आई ये वाला। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं बेटा, ये तो हमारे पास आ गया। हाँ जी इसके बाद हमारे पास आता है मेल्टिंग एंड, हाँ जी बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी बेटा बताइए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बच्चों, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करता है बेटा, इंक्रीज इन मोलर मास। बिल्कुल सही, जब हम बात करते हैं बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मास। मोलर मास क्या करता है, इंक्रीज करता है। हाँ जी ओके, अब हमारे पास आता है बेटा आउट ऑफ, ध्यान सुना आउट ऑफ, इसी के ऊपर क्वेश्चन था जो अभी मैं रह गया, आउट ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17, 15 का एक एग्जांपल लेते हैं बेटा नाइट्रोजन, इसका एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जाते हैं हम, 16 और ये इसका 17। अब मुझे बताइए इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव किसकी होगी। हाँ जी बेटा इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी और क्यों होगी बेटा, ग्रुप 16। ग्रुप 16 ओके, ग्रुप 16 बताया बेटा, और कोई, फ्लोरीन। क्यों फ्लोरीन क्यों बेटा, देखो सारे रीजन आप लोगों को पता होने चाहिए, नहीं पता तो फिर जब भी तो मैं बताऊंगा बेटा, सबसे कम एनर्जी लगेगी इसकी। बिल्कुल सही बताया, क्यों एनर्जी कम लगेगी बेटा, देखिए जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, देखो नाइट्रोजन की जब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट शेल होता है के शेल, दूसरा होता है एल शेल, हमारे पास ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन,
अब देखिए बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 और इसका एटॉमिक नंबर 9, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। अब देखो ये 2 और ये हमारे पास क्या हो गया 5, और ये हमारे पास हो गया 2 और ये 6 और ये 2 और 7। मैं एक बार दूसरा पेन ले लेता हूँ, एक सेकंड रुकना, ब्लू पेन। हाँ जी बेटा दिखा, आप भी जानते हैं बेटा कि इसके अंदर हमारे के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुझे बताइए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। नेक्स्ट वाले को 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, और लास्ट वाले को 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताइए इन तीनों पे से किसमें कम एनर्जी लगेगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? फ्लोरीन। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या लगेगी बेटा? कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। इसी वजह से बेटा फ्लोरीन की यानी ग्रुप 17 की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होते हैं वो एज कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स वो ज्यादा क्या होती है? मोर नेगेटिव होती है बेटा। ये चीज याद रखना था। समझ में आई ये वाली बात? Yes, sir. और इसी वजह से बेटा जो आपके ये जो होते हैं ना हेलोजन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग ही नेचर होता है, रिड्यूसिंग ही नेचर होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। रिड्यूसिंग। अच्छा अच्छा सुनना बेटा, आप देखो फ्लोरीन गिव्स, आप ये देखो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कितना है 2 और 7, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये फ्लोरीन नेगेटिव हो गया। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ओ रिडक्शन होते बच्चों। हाँ, रिडक्शन। और रिडक्शन, yes, मैंने रिडक्शन बोला है। अच्छा रिडक्शन रिएक्शन होती है, और हाँ हाँ रिडक्शन रिएक्शन बोला है, और रिडक्शन रिएक्शन में क्या मिलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलता है या रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए बेटा ये ग्रुप 17 वाले जितने भी होते हैं सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। अभी किसी बच्चे ने रिड्यूसिंग बोला था तभी मैंने बोला था, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे हमारे पास। ये चीज याद रखना बेटा, ये जब छोटी छोटी बात बेटा जब आप याद रखते हो तो इसी वजह से है ना जो सीबीएसई में नंबर होते हैं वो मिल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों के यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूछता है आउट ऑफ, सुना देखो क्वेश्चन ये पूछता है आउट ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17 व्हिच वन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो हमें बताना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रुप 17 वाले बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को क्या कर लेते हैं? स्टेबल कर लेते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। हाँ जी समझ में आया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये छोटा सा याद रखना। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी बेटा, जब हम लास्ट पॉइंट है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हो स्मॉलर द साइज, जिसका साइज स्मॉलर होता है, स्मॉलर साइज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल सही, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्मॉलर साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है? क्योंकि उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा यानी न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा चार्ज होगा वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी इतना स्ट्रॉन्गली क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया बेटा? इसलिए बेटा स्मॉलर साइज हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीज बिल्कुल सही डाउन द ग्रुप बेटा बिल्कुल सही डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है बेटा डिक्रीज करती है इसी वजह से बेटा जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द पॉलिंग स्केल जिसके ऊपर बेटा पॉलिंग स्केल्स की बात करते हैं पॉलिंग स्केल्स के ऊपर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 होती है इसी टाइप से क्लोरीन की बात करते हैं क्लोरीन की जो आती है 3.2 कई किताबों में 3 लिखी होती है कई किताबों में 3.2 लिखी होती है। ये बेटा ऐसे हम जब बात करते हैं ब्रोमीन की आ जाती है आपके पास 2.8 के करीब और क्लोरीन की आती है 2.5 के करीब, ये अप्रोक्सीमेटली होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इसी टाइप से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ये डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती रहती है बेटा। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट? अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की इसकी। हाँ जी बेटा, और देखिए बेटा डाउन द ग्रुप, इसी वजह से हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप जो होता है मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है।
इसी वजह से कहते हैं बेटा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। इसी वजह से मेटलिक जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। हाँ जी, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं इसकी फिजिकल। हाँ जी बेटा, अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए, देखो हाँ या ना में, क्या आपको इसकी जनरल प्रॉपर्टी समझ में आई? यस सर। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसकी जो पीडीएफ है ना, जो आज मैंने कराया, इसकी पीडीएफ बना के मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग उसको स्टडी कर लेना, गो थ्रू कर लेना। और क्योंकि जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे चैप्टर को, जैसे कल और परसों जाएंगे, तो इन्हीं जनरल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी बेटा। देखिए बेटा, अभी हमने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जितने भी हमारे पास। हाँ बेटा बोलो सर। ग्रुप 16 की डाल दी आपने पीडीएफ? हाँ बेटा, ग्रुप 16 मैंने सेंड कर दिया, ग्रुप 16 मैंने भेज दिया, क्योंकि जैसे ही कंप्लीट हुआ था मैंने ग्रुप 16 भेज दिया था। नहीं आया तो आज ग्रुप में फिर डाल दूंगा ग्रुप 16, कोई दिक्कत नहीं। सर आप हमारे ग्रुप में नहीं भेजते हैं? अच्छा नहीं भेजता, ओहो चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैं आज तो ये इस क्या कहते हैं ऑफिशियल वाले ग्रुप में डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आज डाल देते हैं। अरे ए बी सी यानी सी और डी सारे ऑफिशियल वाले ग्रुप में डाल देंगे बेटा। ठीक है सर। ओके बेटा, देखिए जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहीं से पढ़ लेते हैं बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, मोस्टली हम इन्हीं को स्टडी करेंगे बेटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है, और ये अभी तक बेटा की जब बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज हमने अभी तक स्टडी नहीं करी है। तो फ्लोरीन हमारे पास किस फॉर्म में होती है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसेस स्टेट में होती है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होती है, और जब हम बात करते हैं आयोडीन तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं आयोडीन किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है बेटा। तो ये इनके अलग अलग स्टेट होती है बेटा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो एटोमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। इसी वजह से बेटा ये क्या करते हैं, ये सॉलिड लिक्विड और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैलोजन्स होते हैं ऑल हैलोजन्स आर कलर्ड, ये जितने भी हैलोजन्स होते हैं बेटा सारे के सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये याद रखना, ये कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू द, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन करते हैं रेडिएशन की, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन में क्या करते हैं बेटा, रेडिएशन एब्सॉर्ब करते हैं, विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी। ठीक है बेटा, और बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट यानी डिफरेंट एनर्जी, मतलब क्योंकि हर एक, जब आप जानते हो बेटा हर एक, क्योंकि देखो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करेगा, और डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से बेटा ये क्या करते हैं, हर एक अलग क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं। इसी वजह से बेटा जब हम बात करते हैं तो दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अलग अलग होती है। मेन रीजन था क्यों कलर इम्पार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन से, जिसकी वजह से जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं और हायर एनर्जी में चले जाते हैं। इसी वजह से बेटा जो फ्लोरीन होता है वो हमारे पास येलो कलर का होता है, क्लोरीन जो हमारे पास आता है बेटा वो क्लोरीन की वजह से, बेटा फ्लोरीन का जो जो फ्लोरीन बोला जाता है, फ्लोराइड फ्लू फ्लू बना जाता है, वो येलो कलर है क्योंकि ग्रीक वर्ड है। ऐसे ही जब हम क्लोरीन की बात कर ले, क्लोरस जो ये वर्ड है वो ग्रीनिश शेड से आता है बेटा, ये ग्रीनिश येलो कलर होता है। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है बेटा, ब्रोमीन कौन सा कलर, ब्राउन ब्राउन बिल्कुल से, इसका बेटा रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और आयोडीन, हाँ जी आयोडीन का मतलब कैसा होता है, आयोडीन वायलेट कलर नहीं, वायलेट आयोडीन वो, अरे आयोडीन का कलर देखना जब हम बात करते हैं आयोडाइडाइन की, जब बात करते हैं बेटा या फिर हम किसी की बात करते हैं, yes, sir, इंडिको इंडिको अरे इंडिको इंडिको सिंपल सी बात करते हैं, इंडिको कलर कैसा होता है, वायलेट कलर होता है, इसी वजह से। ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं बेटा ये फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, यानी सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर,
जबकि क्लोरीन एंड आयोडीन आर स्प्लिंगली सोल्युबल इन वाटर्स। बस इतनी सी है बेटा। हाँ जी बेटा, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा, देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो मुझे बताइए इन तीनों, इन चारों में से तोड़ने के लिए मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी की किस में जरूरत पड़ेगी? F2 को, Cl2 को, Br2 को या I2 को, किसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? F2। नहीं बेटा, Cl2। अब मैं बताऊंगा रीजन क्यों। देखिए बेटा, आप भी जानते हो इन सब में से सबसे छोटा, मुझे पता है कि आपने किस बेसिस पर बताया, क्योंकि आपने बताया कि सर इसका इन सब में से सबसे छोटा साइज होता है फ्लोरीन का। बिल्कुल सही। देखिए बेटा, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बिल्कुल सही, सेवन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात। ऐसे दूसरे फ्लोरीन के अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये सात, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, शेयर कर लेते हैं। इस टाइप से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब देखिए, शेयर करने के बाद इसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर कैसे है बेटा, इस टाइप से आ गए, और क्लोरीन के ऊपर भी सेम ऐसा आएगा। अब मुझे बताइए फ्लोरीन का एटॉमिक साइज तो छोटा है और इसके ऊपर प्रेजेंट कितने हैं लोन पेयर? हाँ जी बेटा, तीन लोन पेयर। और जब लोन पेयर इतने ज्यादा है और छोटा साइज है तो लोन पेयर में भी क्या होगी? रिपल्शन। और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बेटा इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाती है बेटा। फ्लोरीन से भी बड़ी इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसी वजह से बेटा क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है कम हो जाती है, उसके बड़ी आपकी फ्लोरीन की हो जाती है। और फ्लोरीन की बेटा, ओ सॉरी, यहाँ पे मैं ये गलत लिख गया, ये Br2 आता है, फिर जाके यहाँ पे F2 आता है, यानी इतनी रिपल्शन होती है कि इसकी बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन से भी बड़ी हो जाती है। ये चीज किससे बड़ी होती है? फ्लोरीन से भी बड़ी हो जाती है। सर, फ्लोरीन में तो दो शेल है, तो दो शेल में रिपल्शन होगी। क्लोरीन में तो तीन आ गए, तो तीनों में रिपल्शन नहीं होगी, तो उसमें ज्यादा रिपल्शन होनी चाहिए। अरे नहीं, लोन पेयर देखो ना, लोन पेयर तो हम तो सिर्फ लोन पेयर चेक करते हैं, क्योंकि इसमें तीन शेल आ गए, एटॉमिक साइज क्या है इसके बाद इसका दे, तो इसमें क्या होते हैं रिपल्शन कम होती है, जिसकी वजह से रिपल्शन कम होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो करते हैं बट स्लाइटली इंक्रीज करते हैं। बट फ्लोरीन का एटॉमिक साइज तो बहुत छोटा है, तो इसमें क्या होती है बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए अपने बॉन्ड लेंथ को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है बेटा। ये चीज याद रखना, इसलिए इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है बेटा उसमें हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है तोड़ने के लिए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगानी पड़ेगी? क्लोरीन में। और क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है 242.6 किलोजूल पर मोल होती है, उसके बाद ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं इसमें एटॉमिक रेडियाई देखते हैं, देखो एटॉमिक रेडियाई और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं इसके अंदर, तो देखो लोन पेयर तो सब में सेम है बट क्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है, इसी वजह से इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होते हैं, इसी वजह से इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम हो जाती है ड्यू टू हाई रिपल्शन की वजह से। हाँ जी बेटा, इसमें कोई डाउट? अब जल्दी बताओ बेटा, हाँ या ना? नो सर, डाउट? ओके बेटा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं बेटा, फिर उसके बाद कल से हम शुरू करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी, या एक केमिकल रिएक्टिविटी आज पढ़ लेते हैं और उसके बाद कल से दूसरी केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ लेंगे, जिससे हमारा चैप्टर भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ जी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, और मुझे बताइए इसकी ग्रुप वैलेंसी क्या होती है, इसकी ग्रुप वैलेंसी, ग्रुप 17 की ग्रुप वैलेंसी बताइए क्या होती है? भूल गए? माइनस वन होती है बेटा ग्रुप वैलेंसी, जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ाते थे बेटा ये खुद को, क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी माइनस वन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो माइनस वन, इसलिए हम कहते थे बेटा इन सबकी क्या होती है माइनस वन होती है। बट जब ये क्लोरीन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन इस टाइप से आपस में रिएक्ट कर जाता है, सीएलएफ बना लेगा, तो क्लोरीन की, फ्लोरीन की तो माइनस वन होगी, और उस टाइम पे क्लोरीन की क्या हो जाएगी? प्लस वन। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इसलिए इसकी माइनस वन हो गई,
और इसलिए बेटा अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो प्लस वन भी हो सकती है। और आप ध्यान से सुनिए, प्लस वन, हाँ जी बेटा, आप बताइए यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इस वाले में? प्लस वन, नो, प्लस फाइव, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, टेंडेंसी गेन करने की बजाय लूज करने की ज्यादा होती है। तो मुझे बताइए, क्योंकि ये लूज करने की टेंडेंसी रखता है तो इसके साथ भी लूज कर सकता है, क्योंकि खुद को स्टेबल करने के लिए सात लूज करेगा या पांच लूज करेगा, बताइए ऑप्शन ये है, क्या इसकी प्लस फाइव ज्यादा स्टेबल होगी या प्लस सेवन ज्यादा स्टेबल होगी? ये पिछले चैप्टर टॉपिक में भी प्लस प्लस आगे फाइव, हाँ जी बिल्कुल सही, इसकी प्लस फाइव भी होती है बेटा, प्लस सेवन भी होती है और इनकी प्लस थ्री भी होती है। और जब हम बात करते हैं बेटा तो डाउन द ग्रुप प्लस फाइव ज्यादा स्टेबल होती है, डाउन द ग्रुप प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन प्लस सेवन। क्यों बेटा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिल्कुल सही, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट caused by fully filled d and f orbitals। हाँ जी बेटा, अब इसके बाद करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब मुझे बताइए बेटा, आउट ऑफ f2 एंड cl2 Which one is more oxidizing in nature? या oxidizing agent, oxidizing halogen? इन दोनों में से oxidizing halogen कौन सा है? क्योंकि सबसे पहले देखो, बिल्कुल सही, देखो जब हम बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन में से, तो देखो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है मोर नेगेटिव होते हैं, बट इसको सबसे पहले टूटना भी तो पड़ेगा, क्योंकि Cl2 को सबसे पहले Cl में टूटना पड़ेगा। और सबसे पहले कौन टूटेगा इन दोनों में से? फ्लोरीन टूट जाता है बेटा, इसी वजह से फ्लोरीन जल्दी से टूट के वो क्या करता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेता है बेटा, मोर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो हम बात करते हैं फ्लोरीन, यानी एफ टू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये याद रखना बेटा, पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? इसके दो रीजन है, because of number one high hydration enthalpy, the smaller size higher the hydration enthalpy, high hydration enthalpy, or dusra beta iska reason weak bond dissociation enthalpy। ye do reason, और ये अच्छी तरह से याद करने आपको। हाँ जी सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। पहला, ये हमारी अब शुरू होगी बेटा केमिकल रिएक्टिविटी, और आज हम बस यही करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, क्योंकि फिर ज्यादा कराऊंगा फिर आप लोगों को बोरिंग लगेगा, टुवर्ड्स हाइड्रोजन। देखिए बेटा, जब आप जानते हो बेटा जो हैलोजन्स के, ये जब हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये किस टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्मेशन करते हैं, पता है या नहीं पता भाई? हाँ जी भाई, पता है सर, किस टाइप के? ग्रुप 17 एलिमेंट्स रिएक्ट हाइड्रोजन फॉर्म्स EXOEH टाइप हाइड्राइड्स। हाँ जी बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr एंड HI, इस टाइप के हाइड्राइड्स की क्या करते हैं ये फॉर्मेशन करते हैं।
अब मुझे बताइए सबसे पहले, थोड़ा सा मीटर कर देता हूँ बेटा, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए रुकना। हाँ जी बेटा, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ, इन सब में से बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सबसे ज्यादा एच आई की होगी, उससे कम हो जाएगी एच बी आर, उससे कम हो जाएगी एच सी एल, और सबसे कम हो जाएगी एच एफ की। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या फिर इसको दूसरा कहते हैं बेटा थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल का मतलब है हीट दी और कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मुझे बताइए थर्मल स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी या जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? एचएफ। बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा छोटी होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखेगा किसको, हाइड्रोजन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इसलिए वो क्या करता है स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखता है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा बेटा। फिर इससे HCl, HBr और फिर उसके बाद HI। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आती है एसिडिक स्ट्रेंथ, इनमें से सबसे जल्दी हाइड्रोजन को कौन लूज करेगा बताइए? Yes, very good. HI, फिर HBr और उसके बाद HCl, क्योंकि HI की क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी पुअर बॉन्ड डिसोसिएशन थी, वीक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी दी और वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है बेटा, टूट जाता है, वीक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका थर्ड ऑप्शन, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, रिड्यूसिंग नेचर, इनमें से सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर का वही होता है बेटा जो सबसे जल्दी हाइड्रोजन को दे देगा। HI। वेरी गुड, HI सर। बिल, हाँ बेटा बोलो। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने दोनों HCl लिख दिए, HF नहीं लिखा। ओहो सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी मैं भूल गया मैं। ओके बेटा, अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं बेटा। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास लास्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी बेटा बताइए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? HF, HI। अरे नहीं, फिर भूल गए आप लोग, फिर भूल गए। इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ फिर भूल गए ना आप लोग। HF, फिर HI, फिर HBr और फिर HCl, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए, काफी आज के लिए, और इनका मोलिकुलर साइज के ऊपर बेस। ठीक है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसका मोलर मास के बेसिस पे अरेंज कर दिया। ठीक है बेटा, इस टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं बेटा, तो ये हमारे पास है। तो कल हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करेंगे, और फिर हम सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन, हमारे पास वो दो ही हैं, एक F2 है और दूसरा हमारे पास HNO3, वो क्या कहते हैं, हाँ HF है और एक HNO3, बस इससे ज्यादा नहीं है ख्याल से। ठीक है बेटा, टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। अपने तैयारी करना, मैं PDF अभी सेंड करता हूँ ग्रुप 17 की और ग्रुप 16 की, ग्रुप 17, और बेटा मैं डेली डेली ना इसी के पीछे ऐड करता हुआ चला जाऊंगा, तो पहले पेज आप लोग स्किप करके पीछे से देखते चले जाना, मेरे पास भी एक ही बनता जाएगा और आपके पास भी पूरा एक ही बंच मिल जाएगा आपको, क्योंकि फिर एंड में क्या करना, जो स्टार्टिंग वाले ना वो डिलीट कर देना, पीछे वाला रख लेना। ठीक है बेटा, ओके सर, ओके बेटा, टिल देन, ओके बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर।